नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस करंट अफेयर्स में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट है। दिव्या देशमुख जो है, ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बन गई है। 15 साल की हैं दिव्या देशमुख और ये बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 के दौरान भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र के रहने वाली है। ग्रैंड मास्टर जो है यहाँ पर, जो चेस ग्रैंड मास्टर है यहाँ पर, ये बेसिकली आरा राजा मेटल वाटर चैम्पियनशिप शतरंज टूर जो है यहाँ पर, ये बेसिकली 2021 इसके बने हैं मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे शतरंज ओपन डी गुकेश यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट के बने हैं एस पी सेथुरमन। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर आईपीएल 2021 का खिताब यहां पर जीत लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल 2021 का खिताब जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग कंपनी शीर्ष पर रही, वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी बनी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, आपका करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना देश की, ये बेस्ट यहाँ पर बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन रही है और बिजनेस जो मैनेजमेंट फोर्ब्स ने यहाँ पर दुनिया की बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत का पहला स्थान प्राप्त है। इसके साथ दुनिया में रिलायंस ने 52वें नंबर पर यहाँ पर जगह बनाई है। टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनी आईसीआईसीआई बैंक 65वें नंबर पर, एचडीएफसी 77वें नंबर पर और एचसीएल यहां पर 90वें पायदान पर देखने को मिलेगा। सैमसंग आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जो है ये टॉप 3 कंपनियां हैं, जारी करता है फोर्ब्स। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2021 ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में 150 देशों में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन खाने से जुड़ी बीमारियों को रोकथाम के लिए बारे में जागरूकता और फैलाने के लिए मनाया जाता है एवरीवन। और वर्ष 1945 में इसी दिन रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना भी यहां पर हुई थी। थीम इस बार की एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने जारी किया है? ई वोटिंग ऐप तेलंगाना की सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सी आपका करेक्ट है। तेलंगाना ने COVID-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। इस ऐप का मकसद मतदाताओं के उनके वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है, जिसमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक, बीमार लोग और मतदान कर्मी और आईटी पेशेवर समेत अन्य शामिल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं, गवर्नर यहां पर हैं तिमिलीसाई सुंदर राजन, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका की सेना के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन 15 से 29 तक अमेरिका के लास्का में होगा। इसका उद्देश्य यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ और यहाँ पर सहयोग और पारस्परिक बढ़ावा देना है। इसका आयोजन स्थल जो है ये है अलास्का अमेरिका का और इसका संस्करण है 17वां।
अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना? ये बना है डी 6वीं बार। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के फिर से चुना गया है। यहाँ पर जो है इसका कार्यकाल 2022 से लेकर 24 तक रहेगा, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रितेश चौहान। कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो माई पार्किंग ऐप अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को वाहन पार्किंग भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर लोग दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकेंगे। ऐप गाड़ियों को कुल क्षमता यहाँ पर और उपयोग के लिए यहाँ पर स्थान हर पार्किंग जगह स्थल पर खाली जगह के बारे में बताएगा, जिससे कि जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। किसने विकसित किया है इस ऐप को? इस ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? पहले भारतीय कौन बने हैं इसको जीतने वाले? आराध्य अरविंद शंकर बने हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले आराध्य अरविंद शंकर को चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 को जीत लिया है। इनकी आयु 7 वर्ष है केवल। सो एवरीवन, ये था आज का सेशन हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।